Welcome to our YouTube channel 24/7 एपी लाइब्रेरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो हिंदी व्याकरण की, जिसका विषय है विशेषण। आज हम इस वीडियो में विशेषण की परिभाषा व उसके भेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ शब्द देखते हैं, जैसे ऊंची इमारत, ताजा सब्जियां। यहाँ पर हमने इमारत में सब्जियों के साथ नए शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। सुंदर गुलाब, मीठा दूध। गुलाब के साथ हमने सुंदर शब्द का, दूध के साथ हमने मीठा शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो आइए देखते हैं ये शब्द हमने क्यों प्रयोग किए हैं। जैसे हमने पहले कुछ शब्द देखे थे, सुंदर गुलाब, ऊंची इमारत। इमारत व गुलाब संज्ञा शब्द है और सुंदर ये विशेषण शब्द है। तो आइए अब विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, तो संज्ञा वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। तो ये थी विशेषण की परिभाषा। तो आइए अब विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पर हमने राधा के लिए जो सुंदर शब्द का प्रयोग किया है वह सुंदर विशेषण शब्द है। यहाँ पर राधा संज्ञा शब्द है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, तो यहाँ पर मोहन की विशेषता है कि वह मेहनती है। रमेश बहुत निडर सिपाही है, निडर होना रमेश का गुण प्रकट करता है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। विशेष्य, आइए अब यहाँ पर कुछ विशेष्य के बारे में देखते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, राधा एक लड़की का नाम है, राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताते हैं उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ताज
ताजमहल एक सुंदर इमारत है। ताजमहल संज्ञा शब्द है, सुंदर होना उसकी विशेषता बता रहा है, तो यह सुंदर शब्द विशेषण शब्द है। मैं ताजा सब्जियां लाई हूँ। ताजा यहाँ पर विशेषण शब्द है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो हमने यहाँ पर स्वस्थ शब्द को विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास चार बार खाना खाता है, यहाँ पर चार शब्द एक संख्या के बारे में बताता है। मीना चार केले खाती है, यहाँ पर भी चार शब्द यह बताता है कि वह कितने केले खाती है। चार एक संख्या शब्द को बता रहा है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आइए सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति एवं सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में चार लड़के हैं, तो चार शब्द एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। मेरे पास तीन फुटबॉल हैं, तीन शब्द एक निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे कुछ फल चाहिए, यहाँ पर कुछ शब्द एक अनिश्चित संख्या है। इसमें हमें यह नहीं पता कि कुछ शब्द में कितनी संख्या है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। रमेश ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया, थोड़ा शब्द अनिश्चित संख्या है। मैंने कई चीजें खरीदी, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे एक किलो टमाटर लाकर दो, तो यहाँ पर एक किलो संज्ञा की मात्रा के बारे में बता रहा है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। जाओ एक मीटर कपड़ा लेकर आओ, यहाँ पर एक मीटर शब्द का प्रयोग हमने कपड़े के लिए प्रयोग किया है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, थोड़ा सा शब्द एक परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द हमें किसी
वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने 2 बीघा जमीन खरीदी है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। गाड़ी को रोज 5 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। 5 लीटर पेट्रोल की मात्रा के बारे में बताता है, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। 8 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी शब्द एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा, काम के साथ थोड़ा खाना खाते रहना, थोड़ा शब्द है जो एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात यहाँ पर ये नहीं स्पष्ट कि कितना खाना खाना है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए वह विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, वह शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिल सके और साथ में बेल आइकन